मैम आप लोगों को काफी उम्मीद है कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिलेगी, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया जी की जमानत की हियरिंग जब सुन रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी तीखी टिप्पणियां ईडी के केस के खिलाफ करी थी। उन्होंने बार बार ये पूछा कि पैसा कहां है, मनीष सिसोदिया जी के पास पैसा कहां से आया, मनीष सिसोदिया की किसी कंपनी में आया, उनके परिवार में आया, उनके परिवार से जुड़ी हुई कंपनी में आया, लेकिन ईडी कोई भी उसका सबूत सामने नहीं रख पाई। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक पूछा कि एक अप्रूवर की स्टेटमेंट के अलावा कोई भी सबूत ईडी के पास नहीं है, ईडी का पूरा केस सिर्फ और सिर्फ एक अप्रूवर की स्टेटमेंट पर आधारित है। लेकिन इतनी तीखी टिप्पणी करने के बावजूद भी आज सुप्रीम कोर्ट ने इसके विपरीत आदेश दिया है। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन हम सम्मानपूर्वक सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सहमत नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी अभी अपलोड हुआ है, उसको हम स्टडी करेंगे, हमारे वकील उसको स्टडी करेंगे, और इसको स्टडी करने के आधार पर आगे क्या अगली कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्या लीगल नेक्स्ट स्टेप्स हो सकते हैं, उस पर निर्णय लिया जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।